व्यूअर, कैसे हो आप? इस समय बज रहे हैं 1:45, ठीक है। और आज है 11 फरवरी। हर बार मुंह से जनवरी निकलने लगता है। तो कल रात को मैंने जो दाल बनाई थी ना, वो मैंने दिखाई नहीं है। देखो दाल बनाई थी मैंने, ये देखिए, ये मैंने सारी वही सब जो था पालक सारी इसमें डाल दी ना, ये बहुत ही ज़्यादा स्वाद बनी थी दाल में। इसमें बिल्कुल एक बूंद भी घी नहीं डाला मैंने। और दाल दो दो तीन तीन बार लेके हमने खाई थी, कुकर भर के बन गई थी। चने की दाल है ना, इसमें बस बाकी सारे तड़के वाली चीज़ें सारी मैंने इसी में बनते बनते डाल दी थी और फिर सीटियाँ डलवा ली थी। मतलब मैंने इसमें प्याज टमाटर और अदरक लहसुन सभी मतलब ऐसे कच्चा ही डाल दिया था, फिर भी बहुत स्वाद बनी डाल दी। अब मैंने छोटे बर्तन में निकाल दिया, गर्म कर रही हूँ, गर्म करके ठंडी होगी तो रख दूँगी, ठीक है। इसको बंद कर दिया गैस को और उसके बाद जो है किचन में आ गई हूँ। नींबू पानी हो गया, चाय पानी भी लिया, सब कुछ कर लिया कि पापा भी बाहर गए थे, बाहर का थोड़ा काम करने वापस आ गए हैं। और अभी मैं खाना बनाने वाली हूँ और ये अभी मुझे बर्तन धोने हैं, दिखा रही हूँ ये बर्तन धोने हैं। ये पड़े हुए रात के लगे बन धुले हुए, तो ये लगाने हैं अभी सारे, ये भी लगाने हैं और उसके बाद धोने हैं, फिर खाना बनाना है, बहुत सारे काम है। चलो मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। अभी मेथी का देखना है, मेथी की परौंठी बनाऊँगी या कुछ और, देखती हूँ। है मेथी, मेथी काट के धो लिया है, धो के इसमें डाल दिया है और दो बार धोई है। इसमें प्याज डाला है, लाल बड़ी वाली मिर्च डाली है। अब इसमें बाकी नमक मिर्च मसाले डालूंगी और आटा गूंदूंगी, आटा डाल के गूंदूंगी। पानी गर्म रखा हुआ है अंदर गैस स्लो पे, और ठीक है। और बाकी जो दही है मेरा ये पड़ा हुआ है इधर, इसमें मैंने थोड़े से चिया सीड पड़े थे वो डाल दिए हैं दही में, नीचे बैठा हुआ है अभी, मैं बाद में दिखाती हूँ। ये मेरी मेथी, यह अभी मूली का मसाला पड़ा है, थोड़ा सा मूली का आटा पड़ा है, पहले वो भी बनाऊंगी, ख़त्म करूंगी, ठीक है। और हाँ हेलो व्यूअर्स, तो ये है ना, मैंने चिया सीड जो थे वो दही में डाल दिए हैं। कल उसमें नमक मिर्च मसाला भी डाल दिया तो चीची कर रहे थे, आज उनको सिंपल दही दे दूंगी मैं चिया सीड वाला, ठीक है। और मेथी मैंने खा ली है और ये है 3 लहसुन के टुकड़े। ये देखो एक टुकड़े दिख ही नहीं रहे आपको, 3 लहसुन दिख रहे हैं ना आपको, तो ये एक एक करके मुँह में जाएंगे और इसको दवाई की तरह निकलना पड़ेगा। थोड़ा चबा लेती हूँ, हल्का सा, पूरा चबाओ तो बहुत अजीब सा हो जाता है, ये दवाई समझ के खा लो। अंदर ही नहीं जा रहा, और तीनों खाने हैं, दो और डाल देती हूँ, दवाई समझ के खा लेती हूँ, ठीक है। बड़ा अजीब सा टेस्ट, ज़्यादा चबाओ तो बड़ा अजीब सा टेस्ट आता है, मैं बुरी हालत हो जाती है, पर थोड़ा सा चबाना ही पड़ेगा। हाँ चले गए अंदर, पानी गर्म है, ठंडा नहीं है, थर्मस में भर के रखते हैं ना, वही सारा दिन पीते रहते हैं। अब ये तो सही है कि सर्दियों में गर्म पानी पिया गया, पर गर्मियों में क्या करेंगे। चलो जी, मेथी भी हो गई, नींबू पानी भी हो गया और ये लहसुन भी हो गया। अब ये खाए, मैं दही खाऊंगी ना, दही में डाल के करूंगी। चलो मैं आटा गूंद लेती हूँ, आटे में वही नमक मिर्च मसाला सब डालूंगी, जो ये हींग भी डाल दूंगी और थोड़ा सा चाट मसाला भी डालूंगी और अजवाइन और जीरा सब कुछ डाल के आटा गूंदूंगी। अब मैं आटा गूंद लेती हूँ। चलो ये मेरा डबल लेयर वाला, डबल वाला मूली का एक परांठा बन रहा है, क्योंकि आटा एक का था तो मैं ये एक ही साइड घी लगाया है मैंने इसके। तो देखो डबल लेयर है, दो दिख रही है ना आपको। एक बहुत ही यम्मी बना था उस दिन, तो मैंने सोचा एक और बना लेती हूँ। अभी ये इतना रह गया, ये कल काम आ जाएगा, अभी तो मैं इसको यूज़ नहीं करने वाली। आटा मेरा तैयार हो गया है और इधर एक रोटी भी बना के रख ली है मैंने, परौंठी बनाऊँगी। ये मुझे है मेथी वाला, इसमें रेड रेड लाल मिर्च दिख रही है ना आपको ग्रीन, और ये कलर अच्छा लग रहा है मुझे। तो ये आटा तैयार है मेरा और मैं बना रही हूँ रोटी, अभी वो बन जाएगी तो फिर दूसरी दोबारा डालती हूँ ऊपर। हेलो व्यूअर्स, देखिए दो परांठे डाले हुए हैं ऊपर, एक ही साइड घी लगाती हूँ मैं, आपको पता ही है ज़्यादा घी वाला नहीं खाते हैं। ये बन गया, इसको निकाल लेते हैं, ये लो इनकी प्लेट में रख देते हैं, इनका पहले ही पड़ा हुआ है मूली वाला, और एक ये हो गया दूसरा, ठीक है। अब मेरा ये रोटी बन रही है, बस मैं सारी इसी तरह परौंठे बना लेती हूँ और उसके बाद जो है फिर हम इंजॉय करते हैं परांठे, ठीक है। गैस लो कर देती हूँ, कभी कभी थोड़ी काली होने लग जाती है ना, थोड़ी कच्ची है इधर से, ठीक है। तो इस तरह से मैं इनको बुला के ले आती हूँ और ये खा लेते हैं। चलो
और इसके बाद हम कुछ और काम। कैसे हो आप? इस समय ना 4:15 हो रहे हैं और आज है 12 फरवरी। ठीक है, खाना वाना हमारा हो चुका है और इसके पापा नहा धो के चले गए। मैं अभी भी उनको बाहर निकाला है, बाहर के कई काम करने बोला उनको मैंने, ऑफिस जाओ और आज इसी जी कराओ, पता नहीं अब करा के आएंगे कि नहीं। किचन ही जैसे करते करते अब जाके निकले हैं वो। ठीक है, तो चलो उसके बाद जो है ना मैं आपको दिखाती हूँ, जो कल मैंने ऑयल बनाया था ना उसका, मैंने उसको सारे सामान को ऐसे ही रख दिया था निकाल के ऑयल को, और ऑयल शीशी में डाल दिया था, आपको दिखाया ही था। अब ये इसमें ना थोड़ा थोड़ा ऑयल लगा हुआ है, ये देखो, इसको भी मैंने वाश नहीं करा, इसमें भी लगा हुआ है थोड़ा, इसमें भी लगा है, और थोड़ा सा इतना सा ही निकला है बस ये वाला। तो और ये जो मैंने वो था वो निकाल के रख लिया, इसको मैं ना फ्रिज में रख देती हूँ, थोड़ा थोड़ा इसको पीस के मैं इसमें को दही में मिला के यूज़ कर लूँगी। ठीक है, और जब ये ऑयल बस मेरे को इतना मिला, बाकी तो मैंने शीशी में डाल दिया वो कनिका को देने के लिए। तो मैं सोची इसमें जो लगा हुआ है थोड़ा थोड़ा वो सारे से मैं अपने हेड मसाज कर लेती हूँ, सिर पे ऑयल लगा लेती हूँ, उसके बाद थोड़ी देर बाद नहा लूँगी 1 घंटे के बाद। तो चलो फिर करना शुरू करती हूँ मसाज। हेलो व्यूअर्स, चलो मैं अपना पहले ये लगा लेती हूँ, इसमें ना काफ़ी सारा ये देखो तेल लगा होता है, तो मैं सोच रही इस तरह से मांग निकाल निकाल के सारे तेल में यूज़ करके फिर को धोने के लिए रखती हूँ बर्तन को, इस तरह थोड़ा थोड़ा सा मांग निकाल निकाल के, क्योंकि जड़ों में लगे तो ज़्यादा अच्छा, ऊपर तो आराम से ही लग जाता है, ऊपर तो कोई दिक्कत नहीं है। मेन तो है कि जड़ों में लगना चाहिए ऐसे, ये देखिए ना कितना ऑयल है इसमें, जो मैं कह रही वेस्ट क्यों करना है मुझे। तो वो बाकी थोड़ा सा मैं निकाल के रख लिया है, सोच रही थी हस्बैंड को लगा दूंगी पर अभी तो वो चले गए। हाँ कल रात को हमने क्या खाया, कल रात को ना मैंने मेथी की सब्जी बना ली थी, क्योंकि तो सिर की मालिश करना अच्छी बात ही है, कोई बुरी बात तो है नहीं। हाँ तो कल मैंने क्या किया था, मेथी की सब्जी बना ली थी, और उसके बाद जो है रात को हमने खाया क्या था, मेरे ख्याल से दाल चावल खाए थे कल। हाँ अरे यार कंघी गिर गई। हाँ तो कल हमने खाए थे दाल चावल, अभी उठा लेती हूँ कंघी। ये देखो तेल है ना, कितना कितना तेल है, इसको ऐसे धोने से निकालना क्यों है, इसको बर्तन को धोने के लिए रखना है मुझे बाउल को, क्योंकि ऊपर ऊपर के बालों में लगाना तो सारा है। हाँ तो कल हमने दाल चावल और थोड़ी साथ में थोड़ी मेथी की सब्जी लेके खाना खाया था, उसके बाद फिर और अभी हमने खाए मेथी के परांठे खाए हैं। पर प्रॉब्लम यह है कि बार बार मेथी खा खा के ना मैं पक चुकी हूँ। एक मिनट मेरी कंघी गिर गई, मैं उठा लेती हूँ, एक मिनट। हाँ तो मैं ये कह रही थी उठा ली कंघी, तो अब जो है ना मैं सोच रही हूँ, एक मिनट काम करते करते ही हमें ना दिमाग के घोड़े दौड़ाने ही पड़ते हैं, क्या कर सकते हैं। ठीक है, हस्बैंड को जिस काम के लिए भेजा पता नहीं वो करके आएंगे कि नहीं, ये मुझे पता नहीं है। तो मैंने कहा ये काम करके ना मैं क्या करती हूँ, 1 घंटे बाद सिर धो लूँगी और नहा भी लूँगी और काम कर लेती हूँ तब तक। एक तो मुझे अभी सीढ़ियों में झाड़ू पोछा करना है, मैंने अभी तक किया ही नहीं है। उस दिन मेरे को आलस आ गया, रात को कई बार ना मेरे को आलस आ जाता है, कौन रात को करे, फिर एक बार रजाई में घुस जाओ, वैसे भी घुसते घुसते 11-12 तो बज ही जाते हैं, रजाई में घुसते हुए इस तरह से थोड़ा थोड़ा मांग निकाल निकाल के लगा लेना है हमने तेल। हरा तेल निकाल जाए तो अच्छा ना, ज़रूरी सरफ में भेजना है। इतनी मेहनत से कल मैंने ऑयल बनाया हुआ वाला, काफ़ी टाइम लग गया था कल किचन में, मैं बहुत देर घुसी रही। ये जड़ों में लगेगा, अब आजकल थोड़े से बाल मेरे कम झड़ते हैं, तो मेरे बड़े बाल झड़ते थे, मैं इससे भी बड़ी दुखी थी, पतले तो हैं ही है मेरे बाल और ऊपर से झड़ भी जाते थे तो दिक्कत होती थी। वैसे ये कोई तेल कोई और लगा के लगाए तो ज़्यादा मज़ा आता है, ढंग से लगा देता है, खुद को इतना ढंग से नहीं लगेगा मुझे पता है, पर फिर भी हम अपनी तरफ से कोशिश तो कर ही रहे अच्छे से लगाने की। हाँ तो मैं कह रही थी अब जो है ना मैं क्या करने वाली हूँ, घर के काम करती हूँ और साथ में मुझे अभी बनाना है, आज सूप बनाऊँगी मैं, मिक्स वेजिटेबल सूप, क्योंकि बहुत सारी वेजिटेबल्स पड़ी हैं और मैंने कई दिन से नहीं बनाया, कई दिन से मैं सोच रही बनाऊँगी फिर और कामों में लग के फिर मैं सीधा खाना ही बना लेती हूँ। तो अभी ये चले गए हैं, इन्होंने आना है रात लेट थोड़ा, पता नहीं 7-8 बजे से पहले तो नहीं आने वाले। ठीक है, 4:15 निकाला है इनको मैंने, तो ये 7-8 बजे पहले नहीं आने वाले, लो ये तो खाली कर दिया मैंने। ठीक है, तो इस तरह से भी लगा सकते हैं आप लोग, ये लो ये तो हो गया पूरा, मेरा भी कढ़ाई में कितना लगा हुआ है ये भी देख लेती हूँ। ठीक है, तो उसके बाद ये सारे बर्तन धो रहे हैं मुझे, फिर अभी थोड़े बहुत बर्तन रह गए हैं, क्योंकि सारा दिन ही बर्तन तो निकलते रहते हैं धोने के लिए, खाते रहो बर्तन निकालते रहो, यही काम है। और हम लेडीज़ का क्या है, सारा दिन किचन में घुसे रहो, जब देखो हम लोग किचन में कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं,
चलो वो भी खाली हो गई है। इसमें देखो कितना तेल लगा हुआ है, देखो। तो मैं अपने मसाज ही कर लेती हूँ, ऐसे कर लूँ, ज़्यादा आसान है, उसमें मेरा ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। हाँ, तो रात को जो है ना, अभी मैं बनाऊँगी थोड़ी देर को सूप मिक्स वाला, और उसके बाद जो है मैं करूँगी, रात को मैं सोच रही हूँ, मैं बस ना दलिया पड़ा हुआ है बहुत सारा, मैं बनाती नहीं हूँ, ऐसे पड़ा हुआ है, तो मैं सोच रही हूँ कि क्या करूँ। भाई थोड़े दिन पहले पैकेट निकाल के डाला मैंने, तो मैं आज ना मीठा दलिया बनाऊँगी, मैं सोच रही हूँ, दूध वाला होता है ना जो मीठा वाला दलिया, वो बना लूँगी, क्योंकि एक तो सूप हो जाएगा, सूप से भी काफ़ी पेट भर ही जाता है, हम लोग दो दो तीन तीन बार ही लेके सूप पी लेते हैं या खा लेते हैं जो भी है, पर इस साइड का सारा रह गया कि नहीं, मेरी ये साइड ही रह जाए, इधर भी लगा लूँ। ऊपर ऊपर लगाना तो बहुत ईजी है, कोई दिक्कत ही नहीं ऊपर लगाने में, पर जड़ों में लगाना थोड़ा सा प्रॉब्लम करता है, थोड़ा टाइम लगता है इसमें, मतलब। ठीक है, ये खाली हो गए, चलो बर्तन मेरे, किचन भी तो खाली करनी होती है ना, कल से बर्तन ऐसे पड़े थे ना, मैंने सोचा जितना निकल ही जाए उतना ही अच्छा है, तो रात को बस वही मैं कह रही हूँ बनाऊँगी मैं अपना। अभी जब गए तो मैं ना अभी सूप तो मैं अभी बना लेती हूँ इसके बाद, और दलिया तो तभी बनाएंगे जब खाना होगा, 9 बजे रात को बनाना स्टार्ट करूँगी, जल्दी बन जाता दलिया, तो दूध वाला दलिया बनाना, मीठा वाला बना लूँगी, तो एक नमकीन चीज़ हो गई, एक मीठी हो गई, ठीक है, क्योंकि मेथी खा खा के भी मैं पक गई हूँ कई दिन से, मेथी 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 या पालक मेथी जो भी है, पर है तो अच्छी चीज़ें होती हैं, पर हमेशा नहीं खाई जाती ना, चक्कर ये होता है। तो चलो ये लगा लिया मैंने, लगी गया, तो वो कटोरी वाला भी लगा ही लेती हूँ, ज़रा सीट है, वो भी कटोरी भी खाली कर देती हूँ, ठीक है। तो अब आजकल बाल कम थोड़े झड़ते हैं, अच्छा लगता है मुझे कि कम झड़ रहे हैं बाल। चलो ये भी खाली हो गई है, इसमें जरा नहीं है, बस जरा जरा से ही लगा हुआ था, मैंने कहा चलो धोने से पहले एक बार मैं यूज़ कर लूँ तो अच्छा ही है, हो गई खाली अभी, चलो। हाँ, तो अब मैं बाकी जो है ना, मैं अभी पूरा लगा लेती हूँ, उसके बाद मैं मिलूँगी आपसे, हो सका तो कल ही मिलूँगी, क्योंकि मेरी वीडियो ना लंबी हो जाएगी, पहले भी जो वीडियो है कल वाली भी अभी बीच में पड़ी है और ये वाली भी है, तो मैं कल ही मिलूँगी आपसे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। फोटो कैसे आ रही थी इतनी बड़ी बड़ी। हेलो व्यूअर्स, इस समय हो रहे हैं 6:15, मैं कब दोपहर से किचन में घुसी पड़ी हूँ, और ये मैंने बहुत सारी ये सूप तो मेरा बन गया, मिक्स वेज सूप बन गया, देखो ये देखो, इसमें थोड़ा पानी डाल के पतला किया है, और इसको मैंने मैश किया है इससे मैंने को मैश कर लिया है, और थोड़ा सा कड़छी से भी कराया, देखो ऐसे करके उससे भी किया, कड़छी से बहुत ज़्यादा ही ऐसे दबा दबा के, ये देखो जैसे है ना, ये देखो ऐसे दबा दबा के थोड़ा मैश भी किया मैंने, ऐसे भी किया और उससे भी किया है, ठीक है। तो अब ये बन गया है, इसका नमक वगैरह टेस्ट कर लिया है, जो कम था वो डाल दिए चीज़ें, बाकी इसमें सारी वेजिटेबल्स डाली हैं जो मेरे पास थी, क्या डाला है इसमें मैंने, जैसे वो मैं काट के रखती हूँ ना, उसके वो गोभी के डंठल वगैरह ये सब काट के रखती हूँ, तो वो डंठल डाले, फिर प्याज तो डाला ही नहीं, टमाटर डाले हैं 4, और मैंने शिमला मिर्च डाली है, और लाल मिर्च बड़ी वाली और हरी मिर्च दोनों डाली हैं, और शलगम डाला है, और चुकंदर डाला है, और पता नहीं क्या क्या डाला है, जो जो मेरे पास सब्ज़ी अवेलेबल थी, बस मैंने गोभी और ब्रोकली नहीं डाली और आलू नहीं डाले, बाकी सारी सब्जियाँ जो भी अवेलेबल थी सब डाल दी, क्योंकि काफ़ी सब्जी हो गई थी, वो मात्रा ज़्यादा हो गई थी, फिर मैंने कहा अब और नहीं, इतनी ज़्यादा हो गई थी कि अब इसको मैंने कोई मिक्स उससे जो है ना मैश करना पड़ा थोड़ा ऐसे ऐसे करके। तो अब ये बन गया पूरा, इसमें नमक भी टेस्ट कर लिया मैंने, जो कम था डाल दिया, बस एक टमाटर की सॉस ज़रूरत होगी तो डाल लेंगे सर्व करते समय, तो इसको काटने पीटने में मेरा बहुत टाइम लग गया, इसको मतलब सारी चीज़ों को सब्जियों को काटने में काफ़ी टाइम लगता है। तो बस बन गया, रात को बस अब मुझे बनानी है वो मीठी वाली जो है मीठा दलिया बनाना है रात को, और कुछ नहीं बनाऊँगी, ये पूरा हंडी भरी पड़ी है, गैस बंद कर रही हूँ, और मैं जा रही हूँ 10-15 मिनट का ब्रेक लेने कमरे में, तेल बंद कर दी गैस, 10-15 मिनट का ब्रेक लेने जा रही हूँ, उसके बाद जो है ना पीछे कमर में हो रही है दर्द पीठ पे, तो अब जो रेस्ट करने जा रही हूँ, और उसके बाद जो है फिर मैं करूँगी एक्सरसाइज भी करनी है मुझे, अभी कल भी नहीं करी थी मैंने, हस्बैंड जो है ना पूरा ध्यान रखते हैं, फिर मेरे पीछे डंडा लेके पड़ जाते हैं, तो मैं कल भी नहीं करी थी, तो आज भी नहीं कर रही, तो आज वो मुझे कह रहे थे कि कर ले, मैंने कहा पहले आपको मैं खिला पिला के बाहर भेज दूँ फिर ही करूँगी, मतलब आपको बाहर के जो काम करने कर लो, आपको खाना वाना खिला दूँ फिर आप चले, फिर मैं कर लूँगी, तो अब बस ये काम मेरा किचन का एक काम निबड़ गया, एक ही करना है, और दही मैंने जमा दिया है, ठीक है, और बाकी जो है सारा बाकी वो मेथी आलू मेथी की मैंने सब्जी कल बना ही ली थी, वो पड़ी हुई है, वो कल सुबह ब्रेकफास्ट में ही काम आएगी अब, और बस यही जो हरी सब्जियां होती है ना उनको संभालना ही बड़ा मुश्किल काम होता है, ना संभालो तो वो फिर हरे पत्ते वाली सब्जियां ख़राब हो जाती हैं, तो यही दिक्कत होती है। चलो मेरा काम हो गया, मैं जा रही हूँ रेस्ट करने के लिए, बाय।